I feel really happy for that, and I also feel relieved right now. It made me emotionally drained, and I was very lost. I was having the support of many people from the community, LGBTQ community, Danya Ravindran, Manaja Collective. They all helped us and supported us very much. And with their support and with the High Court's order, we are now happy and free. But actually, we are not completely free, because her family is still threatening us, especially her family. Actually, they gave a consent that they are okay with our relationship to the High Court. But soon after we reach the place where we live now, they started to call us and started their emotional blackmailing, and it was very, very bad. Like, after a lot of stress, we started our journey together again. So then also, if they are continuing with their emotional blackmailing, then it is very tough for us. केरल के एक लेस्बियन कपल को केरल हाई कोर्ट ने साथ रहने की परमिशन दे दी। अब ये दोनों लड़कियां बेहद खुश हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता पहले चुकी थी, लेकिन घर वाले नहीं माने थे। इसके बाद घर वालों ने दोनों को अलग करने की कोशिशें की, उन पर कन्वर्जन थेरेपी ट्राई किया। आखिर में एक एनजीओ की मदद से दोनों को साथ रहने की परमिशन मिल गई। इस लेस्बियन कपल को जब केरल हाई कोर्ट ने साथ रहने का आदेश दे दिया, उसके बाद इन्होंने क्या कहा। आदिला और नूरा फातिमा, इन दोनों की कहानी बहुत अलग है। इन दोनों के प्यार को मुहर मिल गई। दोनों सऊदी अरब में स्कूल के दिनों में मिली थी। पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं। 19 मई को दोनों ने अपने परिवारों को बताया कि वो समलैंगिक हैं और एक दूसरे को पसंद करती हैं। परिवार ने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई, फिर दोनों ने घर छोड़ दिया। उसी दिन कालीकट के वंजा कलेक्टिव में शेल्टर मांगी। वंजा कलेक्टिव एक संगठन है जो LGBTQIA+ समुदाय के लिए काम करती है। हालांकि इन दोनों को ही इनके परिवार ने इमोशनली ब्लैकमेल किया। आदिला ने आरोप लगाए थे कि उन्हें उनके परिवार ने सोने तक नहीं दिया। इन दोनों के लिए वंजा कलेक्टिव ने सेवियर का काम किया। घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस को इत्तला की गई। नूरा के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। कालीकट में थमार सेरी पुलिस से संपर्क किया गया। FIR दर्ज करने से उस वक्त पुलिस ने मना भी कर दिया था, जिसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर को नूरा के परिवार से एक वीडियो भेजा गया। दरअसल अदालत ने आदिला द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर समलैंगिक प्रेमी जोड़े आदिला नसरीन और फातिमा नूरा को एक साथ रहने की अनुमति दे दी। अब खुलकर ये जिंदगी जी सकेंगी। आदिला का साफ कहना था कि वो पूरी तरीके से आजाद नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें धमका रहे थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।